वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन विद टिप्स। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग एक एक तरफ से देखते हैं थैलेमस। जो फ्लावर जो होता है, पहले हम लोग फ्लावर्स के बारे में जानते हैं। फ्लावर्स जो होता है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब होता है कि वो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करके नए प्लांट्स को जन ग्रोथ होगा, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही होता है। तो हम लोग देखते हैं, फर्स्ट इसका थैलेमस है। थैलेमस जो होता है मेन बॉडी प्लांट से, मेन बॉडी पार्ट से जुड़ा होता है। थैलेमस थैलेमस जो होता है वो जिस पर फ्लावर्स बियर करता है, ये हम लोग बोल सकते हैं, या फिर बेसल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज थैलेमस। जिस पर फ्लावर पूरी तरह से टिका हुआ होता है, रुका हुआ होता है, उसे हम लोग थैलेमस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेपल्स। जो सेपल्स होता है, हम लोग सेपल्स जब इनिशियल फेज में हम लोग जब फ्लावरिंग होती रहती है बर्ड्स के तौर पर देखते हैं, जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर के हम लोग रोज में देखते हैं। सेपल्स में रोज जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन जो सेपल्स उसमें बाहर में कवरिंग होते हैं वो ग्रीन कलर की, उसे हम लोग सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स जो होते हैं वो इनिशियल फेज में उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इन्वायरमेंट से भी प्रोटेक्ट करते हैं, इंसेक्ट से भी, ताकि इनिशियल फेज में फ्लावर खत्म ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। उसके बाद हम लोग पेटल देखते हैं। पेटल्स का दूसरा नाम है कोरोला। पेटल्स को हम लोग कोरोला भी बोलते हैं। पेटल्स जो होता है वो फ्लावर्स में हमेशा जो कलर्ड पार्ट होते हैं, कलर्स पार्ट हम लोग देखते हैं। जैसे हम अड़हुल के फूल में देखें, हिबिस्कस में देखें, हिबिस्कस में जो फ्लावर्स वो रेड कलर का पार्ट होता है, हिबिस्कस में हम लोग रेड कलर का पार्ट इस तरह से देखते हैं। हिबिस्कस में ये है, इसे हम लोग पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब होता है इंसेक्ट पॉलिनेटिंग स्पेसीज में वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि वो पॉलिनेशन ज़्यादा हो सके। अब हम लोग आगे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग मेल पार्ट्स की बात करते हैं। जो एंथर और फिलामेंट होते हैं, एंथर और फिलामेंट मिला के इसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। एंथर जो होता है इसमें पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन होती है। एंथर दो लोब होती है। एंथर इस तरह हम लोग देखते हैं। एंथर में ये एंथर का फिलामेंट हो गया, दिस इज एंथर फिलामेंट, दिस इज एंथर। मेल में ये फिलामेंट हो गया, दिस इज एंथर। एंथर ये बाई लोब होता है, दो लोब है, इसी में पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। पॉलन ग्रेन हम लोग आगे देखेंगे जो मेल मेल पार्ट्स जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी, ये फीमेल पार्ट में है। स्टिग्मा हम लोग देखते हैं, स्टिग्मा जो होती है वो पॉलन ग्रेन इस पर आकर रुकता है, मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं लेइंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आता है और वहाँ से जर्मिनेट करता है। स्टाइल देखते हैं, स्टाइल जो होता है स्टिग्मा और ओव्यूल, ओव्यूल के बीच में कनेक्टिव लिंक्स होता है, स्टिग्मा हमको बोलते हैं। स्टिग्मा हम लोग इस पार्ट्स को, हम लोग फीमेल पार्ट्स को अलग से देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो बेसल पार्ट्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। अब हम लोग ये है स्टिग्मा स्टाइल। तो पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आके प्लेटफॉर्म पे आके लैंडिंग किया, लैंडिंग करने के बाद वो पॉलिन ग्रेन यहाँ से जर्मिनेट होता है, पॉलिन ट्यूब जर्मिनेट होती है। तो पॉलिन ट्यूब यहाँ पर जाके पॉलिन ग्रेन जाके फिर फीमेल गैमेटोफाइट से फर्टिलाइज करता है। तो ये जो स्टाइल होती है वो स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच में कनेक्टिव लिंक्स होती हैं, कनेक्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेपल्स को कैलिक्स भी बोलते हैं। हम लोग देखेंगे अब ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल को हम लोग इम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, जिसमें फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो ग्रो करते हैं। इसमें फीमेल्स एग होते हैं,
पोलर न्यूक्लियाई, हम लोग आगे इसको देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो थैलेमस होते हैं वो बेसल पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, जिस पर फ्लावर्स रुका हुआ होता है, टिका हुआ होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं फ्लावर। उसके बाद हम लोग पेटल्स देखते हैं। पेटल्स जो होते हैं कलर प्लांट्स, कलर पार्ट्स होते हैं, उसे हम लोग पेटल्स बोलते हैं। सेपल्स जो होते हैं ग्रीन होते हैं, वो जो इनिशियल इनिशियल स्टेज में जब फ्लावर्स होते हैं तो वो उसको ड्राई होने से, टेम्परेचर से और इंसेक्ट्स को वो ईट करने से बचाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेल पार्ट हो जाता है, जो होता है मेल पार्ट्स में एंथर और फिलामेंट। ये हम लोग का है मेल पार्ट, ये एंथर एंड ये फिलामेंट। एंथर में पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट होता है, जो फिलामेंट होता है वो एंथर को बियर करता है पॉलिन ग्रेन। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो पॉलिन ग्रेन को लेइंग प्लेटफॉर्म होता है, जिस पर पॉलिन ग्रेन आके पॉलिन ग्रेन आके रुकता है, फिर वहीं से वो जर्मिनेट पॉलिन ट्यूब करता है। फिर उसके बाद होता है स्टाइल, जो स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच में कनेक्टिव लिंक्स होता है। ओव्यूल होती है जो वो इसको हम लोग एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।